सबसे पहले दोस्तों एक टब लेना और हाथों में ग्लव्स पहनकर टब में सीमेंट डाल लेना है। सीमेंट डालने के बाद उसमें पानी डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद खाली बॉटल को कटर की मदद से बीच से काट लेना है। बॉटल के नीचे वाले हिस्से को लेकर उसमें अच्छी तरह से सीमेंट को भर लेना है। उसके बाद एक कप को उसके बीच में रखकर पानी भर देंगे। पानी भरने के बाद दोस्तों उसको 24 घंटे के लिए सूखने रख देंगे। सूख जाए उसमें से कप को निकाल देंगे और कटर की मदद से प्लास्टिक को अलग कर देंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सुंदर करने के लिए इसको साफ कर देंगे। तक ये साफ हो रहा, आपको एक नीचे रेड सा बटन दिखाई दे रहा है, हाँ भी हाँ, तो प्लीज़ इसको अपने सुंदर हाथों से दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दो। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको खाद डालनी है। खाद डालने के बाद दोस्तों इसमें आपको फ्लावर लगा देना है और दोस्तों आपका एक सुंदर फ्लावर पॉट बनकर तैयार हो गया।